अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय YouTube चैनल और उम्मीद करता हूँ सब लोगों के बहुत खैरियत है। जैसे हमने आपका देखा आज की वीडियो जो है वो थोड़ी महंगी वीडियो आने वाली है। नहीं फिर आज महंगी तो नहीं आने वाली क्योंकि आज है मेरे पास एक हुआवे का मोबाइल और साथ ही है मेरे एक देसी हैमर भी है, अपना पाकिस्तानी हैमर है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे हैं मैं खराब हो गया नहीं हूँ मोबाइल, तो भाई मैं टिकटॉक वाला नहीं हूँ, मैं रियलिटी दिखाता हूँ आपको। बेसिकली क्या ये बहुत पुराना फोन है, ठीक है, और इसकी जो काम की चीजें थी वो मैंने निकाल ली थी, ठीक है, बेसिकली बैटरी निकाली है पता एक। तो इसकी जो स्क्रीन है पुरानी स्क्रीन जैसे आपको पता चैनल में बहुत ज्यादा मजबूत होते थे, इस तरह की हुआवे Y5 11 बड़ा एक मशहूर मोबाइल था और ये तकरीबन 10,000 रुपए का आता था। ये आज से 7-8 साल पहले इतना टाइम हो गया, और ये जब टच मोबाइल मैंने देखना शुरू किया था तो उसमें पहला फोन ये था, ठीक है। तो इस तरह का ये कुछ मोबाइल था, बहुत ही ज्यादा मजबूत मोबाइल था। और मोबाइलों की एक खास बात होती है कि सारे उनकी मदरबोर्ड वगैरह स्पीकर वगैरह होते हैं बॉडी पे लगे होते हैं, लेकिन इसकी एक अजीब बात है कि इसका सारा मदरबोर्ड वगैरह स्क्रीन के साथ लगा हुआ है, इसकी बॉडी जो थी वो सिर्फ अलग होगी मैं लगी और ये बच गया। तो अब मैंने सोचा यार पर ये स्क्रीन इतने टाइम से पड़ी हुई है तो मैंने सोचा जो टेस्ट किया जाए, इसका टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि आजकल की जो स्क्रीन आती है बहुत ज्यादा अच्छी है कि ये वाली स्क्रीन ज्यादा अच्छी है, और इसका मैं ड्रॉप टेस्ट भी करता हूँ। तो चलिए फिर इसका ड्रॉप टेस्ट करते हैं और दूसरा है। अच्छा दोस्तों पहले ना मैंने सोचा कि इसको मैं हैमर टेस्ट करने से पहले ना इसका एक ड्रॉप टेस्ट भी कर लेते हैं। तो ट्राइपॉड को पकड़ते हैं और उसको एक मैक्सिमम हाइट तक देखते हैं, मतलब इसका छोटा सा एक ड्रॉप टेस्ट भी हो जाए। दोस्तों यहाँ पर ना एक मसला हुआ है कि मैं यहाँ पर छत पे हूँ तो यहाँ पर काफ़ी शोर आ रहा होगा, लेकिन फिलहाल ये मोबाइल है, ठीक है, तो शोर को इग्नोर करते हैं और इसको फेंकते हैं। 3, 2, 1 और तो दोस्तों काफ़ी मैंने हाइट से फेंका, मैं तकरीबन 3-4 फुट की हाइट से, तो ये देख सकते हैं आपको इसको कुछ नहीं हुआ। अब फिलहाल मैं इसको कैमरे में थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूँ और दोस्तों अब मेरे ख्याल से कुछ हुआ है। ओह माय गॉड दोस्तों इसकी तो स्क्रीन ही टूट गई, वैसे इसकी स्क्रीन बिक रही थी तकरीबन 2,000 रुपये तक की। यार कितना प्यारे वैसे आए हैं और ये पीछे से भी खुल चुका है, अब इसका हैमर टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था कि बस यार ये एक दफ़ा गिरने पर ही इसकी स्क्रीन ख़त्म हो जाएगी, इसका हैमर टेस्ट भी करना था और इसमें तो इतना वजन भी नहीं था अभी, लेकिन फिर भी यार आप देख सकते हैं इसके पुर्जे भी निकल रहे हैं। इसको हम खींच के इसका जो सारा मदरबोर्ड है वो तो फिलहाल निकल चुका है, तो अब इसकी बिल्कुल प्लेन सी स्क्रीन रह गई है। तो अब इसका ड्रॉप टेस्ट करते हैं। यार ये तो बहुत ही बेकार स्क्रीन है, मैंने उनको हल्का सा किया और स्क्रैच पड़ गए हैं ऊपर से थोड़ा। वाह देखो यार कितनी प्यारे तरीके से इसकी स्क्रीन टूट गई है। ऐसे मुझे अफसोस है कि यार इसकी ना मतलब कि बिक रही थी स्क्रीन ऑल एक्स पे, लेकिन मैंने कहा चलो यार हमारे एक्सपेरिमेंट के काम आ जाएगी, तो अब ज़ाया तो हो ही चुकी है, उसको थोड़ा ही तोड़ देते हैं। यार इसके कैमरा यहाँ पर लगे हुए हैं, ये कैमरे आप देखते हैं, कैमरे पे इसके मारते हैं। और दोस्तों से कबाड़ा हो चुका है, काफ़ी प्यारा लग रहा है, मैं इसको इसे शोकेस में रखूँगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और दोस्तों देख सकते हैं इसका कबाड़ा हो चुका है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ना उनके ग्लास भी हैं, हाथ में फिर भी सकते हैं। तो ऐसा होता है अगर आप अपनी कुल्हाड़ी मारते हैं और ड्रॉप टेस्ट करते हैं तो हमारे से ड्रॉप टेस्ट पर ही फारिग हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रह गया है खाली, इसको ही हम पूर कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो 20 शॉट हमने मार लिए हैं, मोबाइल का एकदम कबाड़ा हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।